हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लोरिंग विद रशीद। आज हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं जागीर उठ के कुछ जगहों की। ये देख सकते हैं जागीर उठ रेलवे स्टेशन का शाम का व्यू, जो कि असम के मुरीगांव डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। जागीर उठ रेलवे स्टेशन न्यू बनाया हुआ। ये देखिए जागीर उठ रेलवे स्टेशन। नाइट का व्यू ज़्यादा अच्छा लगता है, देखने वाला लायक। नया नया बना हुआ जागीर उठ रेलवे स्टेशन फ्रंट साइड। यह टिकट काउंटर देख सकते हैं आप लोग। टिकट काउंटर इतने सारे यात्री वेट कर रहे हैं फॉर देयर जर्नी। सो मेनी पैसेंजर सर हैव बीन वेटिंग फॉर देयर जर्नी। सुबह का 10:33 हो रहा है। वेलकम टू जागीर स्टेशन। COVID-19 का पेशेंट के लिए एक चेकिंग सेंटर। सबके लिए जो भी ट्रेवल करके आता है उन लोगों के लिए। जागीर मार्केट एंड सामने ये देख सकते हैं पहाड़, जागीर उठ का पहाड़ देख सकते हैं आप लोग। और ये ट्रेन आती हुई रेलवे स्टेशन की ओर देख सकते हैं, आ रहा है ट्रेन रेलवे स्टेशन की ओर आती हुई पैसेंजर ट्रेन। और ये जाती हुई जागीर उठ रेलवे स्टेशन के ओर पैसेंजर ट्रेन जाती हुई देख सकते हैं, जा रहा है। और ये जाते जाते ख़त्म हो गया ट्रेन, कितना अच्छा नजर आता है। और अभी हम लोग जाने वाले हैं NH-37 के ओर और बाइक राइडिंग करने के लिए। आप लोग देख सकते हैं ईदगाह है पास, ये गुवाहाटी नौगांव तेजपुर रोड जो देख रहे हैं सामने है। सामने जो है सब पहाड़ है, उधर से हमारे असम का पहाड़ स्टार्ट होता है। जागीर उठ से असम का पूरा पहाड़ ही पहाड़ है, गुवाहाटी तक जितना जाए पूरा पहाड़ ही पहाड़ है। यह है NH-37। ये है मेरा भाई, भाई के साथ जा रहा हूँ घूमने, देखिए। हेलो, लाइक कर दीजिएगा, बोलिए लाइक कर देना, बोलिए लाइक कर देना, शेयर भी और सब्सक्राइब भी और शेयर भी करना। ये हम लोग जा रहे हैं पहाड़ के किनारे किनारे, और आप लोग भी जाते रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पहाड़ का और असम का ब्यूटीफुल नज़ारा। ब्यूटीफुल असम का ब्यूटीफुल नज़ारा। लीजिए मास्क भी खोल दिया मैंने, मास्क भी खोल रहा हूँ, हमें भी थोड़ा देख लीजिए। तो 60-70 स्पीड था, इतना मज़ा आ रहा था यार, बहुत अच्छा लग रहा था। भाई के साथ पूरा घुमा, पूरा जागीर उठ घुमा, पूरा जागीर उठ नहीं थोड़ा बहुत घुमा, जितना घुमा आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करके लेके आ गया। होप आप लोगों को पसंद आया होगा, शायद एक दे सकते हैं। और ये है जागीर उठ का डालमिया सीमेंट कंपनी, और इस कंपनी में बहुत सारे लोग रोज़गार पा रहे हैं। ऐसा कंपनी होने चाहिए असम में, बहुत सारा कंपनी होने चाहिए, बहुत कम है असम में। इंडस्ट्रियल
लाइजेशन बहुत कम है, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करते हैं ज़्यादातर लोग। और अर्थात ब्रह्मपुत्र रिवर नियर होने के लिए कंपनी वालों डरते हैं आने की, ये सब इशू है, बहुत सारा इशू है और देख सकते हैं। और असम के जो ब्यूटीनेस है उसके लिए क्या बोलो, वो तो अतुलनीय है। जैसे देख रहे हैं सामने जो है ये एकदम पूरा पहाड़ी पहाड़ है, और इसके सामने ये जो एकदम बगल में है सब धान खेती काटा हुआ धान खेती, और जो सामने जो छोटा छोटा घर देख रहे हैं पहाड़ी एकदम, इसमें जाने से इतना अच्छा लगता है, एकदम सुपारी का पेड़ दिखेंगे, नारियल का पेड़, और एक फीलिंग आएंगे एकदम पूरा ट्रेडिशनल, सब जैसे कि बेम्बू की बनाया हुआ इस तरह का तरह तरह का चीज़ मिल जाएगा आपको उधर। आई होप कि आप लोगों को वीडियो देख के आसाम के वीडियो जो आसाम के जागीर उठ का वीडियो देख के सीनरी देख के अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को फॉर मोटिवेशन। और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।